वेलकम टू माई न्यू वीडियो। आज हम आपको एक नया मेकअप एक नए स्टाइल में आपको सिखा रहे हैं, करके दिखा रहे हैं, क्योंकि मेरी स्टूडेंट थी, उन्हें रूटीन में मतलब नॉर्मल सा मतलब ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं चाहिए था, उनको सिखाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई थी और ये मेकअप किया था। ये हम आम रूटीन में कहीं जाने लगते हैं नॉर्मल रूटीन में, या कोई जॉब वाली हैं तो उनके लिए थोड़ा हल्की सी बेस लगाई। मेरे पास एक नई वाटरप्रूफ बेस आई है तो मैंने उसका टेस्ट भी लेना था, तो फिर मैंने कहा चले एक वीडियो ही बना देते हैं और अपने स्टूडेंट को भी इसका सारा अच्छा वाला ट्यूटोरियल दिखा देते हैं मेकअप का। तो सबसे पहले मैंने उनके चेहरे पे, अपनी मॉडल के चेहरे पे जो हम डार्क स्पॉट्स थे या उनके पिंपल्स वगैरह जो थे उनको हाइड करने के लिए मैंने अपना कंसीलर लगाया ऑरेंज उसमें शेड में। उसके बाद हमने बेस लगाई जो हम टी जोन एरिया में जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत होती है बेस की हमने वहाँ लगाया, और उसको अच्छी तरह स्पंज, वेट स्पंज के साथ हमने उसको ब्लेंडिंग शुरू कर दी। ब्लेंडिंग हर दफ़ा आपको यही कहा जाता है कि ब्लेंडिंग आपकी अच्छी होगी ना जितनी देर लगे, टाइम जितना लगे, लेकिन ब्लेंडिंग अच्छी होनी चाहिए ताकि हमारे स्किन के जितने पोर्स हैं वो उसमें जो हमारी बेस होती है लिक्विड बेस वो फिक्स हो जाए। लिक्विड हो या जो भी हो, पाउडर फॉर्म में हो, हम उन्हें लिक्विड कर उसको ब्लेंड इतना करें कि इक्वल एक जैसा ही लगे हमारा फेस। ये ना लगे कि नेक अलग लगे और फेस अलग लगे, ये तो हमारा जस्ट हमने वीडियो बनानी होती है और हम इस पर मतलब ज़्यादा फोकस नहीं करते इधर, लेकिन कोशिश किया रियल में जो पार्टी मेकअप करवाने आए या आपने कहीं जाना है तो हमने इस तरह की बेस बनानी है कि परफेक्ट लगे। हाँ जी, उसके बाद हमने अपने आईब्रोज को प्रिपेयर किया, उसको शेप दी, उसके बाद हमने अपनी आईब्रो बोन को हाईलाइट किया, उसको एनहेंस किया ताकि वो थोड़ी सी बड़ी बड़ी खुली हुई लगे जो हर दफ़ा आपको बताते हैं। उसके बाद हमने डार्क पर्पल ब्राउन शेड दो शेड को मिला के हमने क्रीज लाइन बनाई, अपनी क्रीज लाइन बनाई और उसको ब्लेंडिंग की लाइट कलर में। मतलब ये बहुत सॉफ्ट सा मेकअप है, बहुत सॉफ्ट सा, बहुत अच्छा सा, जो हम आम रूटीन में भी कर सकते हैं और थोड़ा सा ग्लिटरी कर दिया क्योंकि ये यंग लड़कियां हैं, अब 30-40 प्लस तो इस तरह के मेकअप नहीं कर सकती, लेकिन यंग लड़कियां अपने आराम से ये कर सकती हैं। उसके साथ हमने पिंक का कंट्रास्ट किया और पिंक ही ऊपर ग्लिटर लगाया, चंक्स मिलते हैं हमने वो लगाए और उसको हल्का हल्का सा फिंगर के साथ ही टैप टैप करके उसके बाद ब्लश ऑन लगाया। और इसमें मेकअप में हमने कोई कंटूर नहीं करना, कोई हमने नोज़ की कंटूरिंग नहीं करनी ना फेस की, क्योंकि ये कैजुअल यूज़ में एक मेकअप हो रहा है और सॉफ्ट टच वाला रियल में, ये तो कैमरे में दिखाया जाता है लेकिन रियल में ये बहुत सॉफ्ट था, सॉफ्ट मेकअप था और इसको हमने बहुत सॉफ्ट लाइट लाइट कलर लगाए। उसके बाद हम लाइनर जो भी लगाएंगे, लाइनर भी हम स्मश लाइनर लगाएंगे, उसको लाइनर लगाकर उसको एक फ्लैट ब्रश के साथ उसको ब्लेंड कर देंगे ताकि वो एक शार्प लुक ना आए, नेचुरल लुक आए, कि जैसे हम काजल पहना हुआ हल्का सा हमने लाइनर लगाया और उसको ब्लेंड कर दिया और मस्कारा लगाया, ना हमने आईज़ के अंदर काजल दिया ना वाइट पेंसिल दी। उसके बाद हमने लिपस्टिक सॉफ्ट कलर की लिपस्टिक ग्लॉसी टाइप वो लगा दी। ये जी आपको खुद नज़र आ रहा होगा बहुत सॉफ्ट टच मेकअप था और इसको हम आम रूटीन में अपना इजी से वेयर कर सकते हैं, इजी से अपना मतलब कर सकते हैं आराम से। इसके लिए कोई टेक्निक की ज़रूरत नहीं होती, कोई ऐसी कि हमें आम रूटीन में भी हम आराम से कर सकते हैं।